सबसे पहले तो मैं ऑलमोस्ट काम हो चुका है साफ सफाई, आंगन वंगन साफ करना। तो अभी मैं कपड़ा को वॉश करूँगी, फिर पर्दा वगैरह को धो रही हूँ। तो पर्दा वगैरह को धो के उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेगा और जाएगा आज थोड़ा आउट, मतलब मामा लोग घर पे। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है गाइस। मैं नहा के भी आ गई हूँ, नहा के अभी पूरा सर्वर पूरा धो लिया है और कपड़ा भी इतना ज़्यादा धुलाया, मैं दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, पर्दा एकदम सब पूरा से धुलाया क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने धो के सुखा दिया। और गाइस अभी मॉर्निंग तो मेरा अपना गर्म पानी से ही स्टार्ट होता है जैसे कि आप लोगों को पता है। और गाइस ब्रेकफास्ट में बना है स्क्वाश फ्राई, उसके बाद भाभी ने बनाया है पाले चपाती, और उसके बाद पापा के लिए राइस बैठा के रखा हुआ है क्योंकि शायद पापा नहीं जाएगा हम लोग के साथ, तो इसलिए पापा के लिए मॉर्निंग को ही मॉर्निंग को ही हम लोग रेडी करके रख देगा। और गैस में ये फ़िल्टर पे तो पानी डाल दूँगी, तो गैस डिसबैलेंस होने के कारण पानी थोड़ा गिर गया है, तो पानी डाल दूँगी और फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। गाइस फिल्टर में पानी डालते डालते मेरा पानी भी गर्म हो गया है और मैं अपना मॉर्निंग का ग्रीन टी लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं लिमटेन ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करती हूँ, पीती हूँ, तो चलो पीते हैं गर्म पानी, ठीक है गाइस। एक्चुअली बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था तो इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर में भी क्या बोलूँ, अभी वही है जो कि मैं पानी डाल रही हूँ, पानी गर्म पानी। तो चलो इसको और आधा भाभी के लिए डालते हैं, आधा मेरे लिए, दोनों को पानी डाल के रख देगा मैं क्योंकि वो भी पानी पीता है सुबह सुबह, तो उसको भी डाल के रख देगा मैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या क्या खाते हैं सब कुछ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। चलो अभी फटाफट से पानी पीते हैं, ठीक है गाइस। अभी मैंने रेडी करने के लिए आ गई हूँ, तो चलो धीरे धीरे रेडी भी करते हैं क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा। और अभी हम लोग निकलेगा एक घंटे के बाद क्योंकि सबको ही रेडी करना पड़ेगा और रेडी करते करते बहुत सारा टाइम लग जाएगा गाइस, सो दैट्स व्हाई फटाफट से रेडी करते हैं। चलो मैं भी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट कैसे लिया गाइस मैंने, ये हाथ में लिया रोटी स्क्वाश फ्राई एंड चपाती, दो चपाती तो हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो गाइस करते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट से, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद घर में बेटा आया हुआ है, तो घर का रौनक ही कुछ और है। पूरा ऐसा कहते हैं ना, घर पे बच्चा होने से मतलब घर का मतलब माहौल ही कुछ और है, बस वही है। गाइस आई एम रेडी गाइस, दिस इज द माय टुडे ओटीटी, मोटा पेट सारा पेलेट टुडे ओटीटी गाइस, दिस इज ओके। बैकग्राउंड को इग्नोर करना गाइस। तो गाइस वी ऑल आर रेडी, अभी तो थोड़ा गंदा है प्लस वो उनको मिस्त्री का काम चल रहा है अंदर में इसमें, ठीक है। तो डोंट बोलना, मेसी बोल के नहीं बोलना, ठीक है। अभी गाड़ी निकल के जाएगा। तो गाइस हमारा भाभी भी कुर्ती सुर्ती पहन के एकदम रेडी सेटी है, तो गाइस आज वो बहुत ही प्रिटी लग रहा है इन इंडियन ड्रेस में, ठीक है। तो चलो, तो सब निकल गया है अभी, ठीक है। पापा जी उधर है, पापा नहीं जाएगा बोला, एंड भाभी बेटा मैं मामा एंड भैया, ठीक है। गाड़ी को पार्किंग कर रहा है, ठीक है। सांस एंड दो देर करते गाड़ी, ठीक है।
गाइस अभी हम लोग निकल गया है हाईवे में, और अभी सबसे पहले तो हम लोग पेट्रोल को डालेगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल पूरा ख़त्म है। हम लोग क्या हो गया गाइस, बच्चा को खिलाने के चक्कर में मेरा चश्मा देखो गाइस सच्ची में मतलब मुझे होश ही नहीं है चश्मा का मेरा हालत क्या है। हम ब्लॉगिंग कर रहे पथ में, अभी जब वीडियो एडिट किया ना हमने तब नोटिस किया कि अरे मेरा चश्मा तो टेढ़ा हो गया बेटा। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुका है अपना डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन में। तो गाइस अभी यहाँ से थोड़ा और 5 मिनट से थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और भैया पीछे से आ रहा है गाड़ी पार्किंग करके, तो अभी हम लोग कुछ खाली हाथ तो कैसे जाएगा, तो कुछ यम्बा वगैरह लेके जाएगा, कुछ मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। और गाइस यहाँ पर वही है दुर्गा पूजा का पंडाल वगैरह सजा के रखा हुआ है, चलो चलते हैं। तो कुछ स्वीट्स का दुकान गाइस अभी हम लोग स्वीट लेंगे। स्वीट एक्चुअली हमारा जो मामा है, जो मम्मी का सबसे बड़ा वाला भाई है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उनके लिए कुछ नमकीन चीज़ लेके जाएगा, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए कुछ मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। तो चलो अभी ये है मामा लोग का घर का गली। और गाइस आप लोगों को गुवाहाटी का क्या बोलते हैं गली से मतलब पहाड़ से मिलाएगा। लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं मेरे साथ। यहाँ से फिर चढ़ना पड़ेगा गुवाहाटी का पहाड़, देखो थोड़ा से तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं हमारा बड़ा मामा के घर में। तो और जगह भी इतना सुंदर है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ा देर में। और गाइस ये जो कुर्सी में बैठा है वो ही है हमारा बड़ा वाला मामा, जो कि पहले हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था, और गाइस उनको क्या बोलते हैं बेस्ट टीचर का अवार्ड से नवाजा किया है गाइस, ज़्यादा ही प्योर हो गया गाइस। तो गाइस आते ही हम लोग को फ्रूट्स काट के दिया है और ठंडा पानी दिया है, क्योंकि हम लोग सीढ़ी चढ़ के आया है। और गाइस बैठा हुआ है और थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, और भाभी को भी इंट्रोडक्शन करा रहा है। और गाइस ये रहा डॉन बॉस्को स्कूल का आपका ये क्या बोलते हैं हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल बना रहा है। और गाइस उधर से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, तो गुवाहाटी कोई कोई प्लेस ऐसा है कि गाइस आपको थोड़ा पहाड़ी इलाका भी मिलेगा। तो चलो ठीक है, तब तो आज क्या क्या करेगा देखते रहना। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस बोलो, हाय गाइस ट्रेंडी, हाय गाइस बोलो ना ट्रेंडी, इधर देखो ना, हाय गाइस बोलो, फिर देखो इतना मिर्चा लगाया गाइस। ये वाला मिर्चा का पेड़ है ना गाइस, बहुत चाल होते, बहुत चाल होते। तो गाइस अभी हम इसको तोड़ेगा और खाना का साथ खाएगा, ठीक है आप लोगों को दिखाते हैं मैं। और ये है क्या बोलेगा टेरो प्लांट। ये है बेटल नट जो होते हैं बेटल नट, उसका बेटल नट के साथ में जो हम लोग पत्ता यूज़ करते हैं ना पीसे से पान पत्ता, ओके। And so pretty flower, white color का ना, इतना सुंदर प्लांट है गाइस। ये ना गुवाहाटी का थोड़ा पहाड़ी इलाका है, हम लोग बोलते हैं ना आसाम में पहाड़ नहीं है, तो गाइस देखो आसाम में पहाड़ है, देखा देखो गाइस। तो गाइस आप लोग से बातें करते करते हमारा लंच भी रेडी हो गया है, तो दिखाते हूँ मैं लंच में क्या क्या है। दाल, दिस इज ए
पनीर का सब्जी एंड दिस इज ए मिक्स वेजिटेबल पोटैटोस राइस नींबू। तो अभी मैं राइस के साथ सबसे पहले दाल बदलती हूँ, ठीक है। जादू दिखाओ, जादू दिखाना है, दिखाओ। वो नहीं, मरना नहीं है, मरेगा ना फिर मरेगा, मरेगा मैं। ज्योति पूर्णा का है, आ गया बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। देखो इतना पिंकी पिंकी ड्रेस लगाया है, इतना सुंदर सुंदर ड्रेस लगाया है ना, धुनू धुनू ड्रेस लगाई से ज्योति पूर्णा है ना, है ना ना। हेलो गाइस को, हेलो गाइस को, हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाँ मामा, माटी आनी पाले है ये भात खा लू ना, हाँ कितना टेस्टी भात। तो हाय, अभी निकल चुके हैं हम लोग अपने मंजिल की ओर, गर्मी ठीक है, कैंडी भी निकल गया है। तो गाइस ये लास्ट है विसर्जन का, दुर्गा पूजा विसर्जन का क्लिप्स है जो आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। ओ माय गॉड व्हाट अ रश, बहुत मतलब इतना इंजॉय करना है, कर रहा है ये लोग, मज़ा आ गया देख के गाइस। गाइस अभी ये आया है ढोल पार्टी, जो कि इतना बढ़िया ढोल बजाया ना गाइस, पूरा अपना मतलब क्या बोलेगा अपना जो उसने पूरा खो गया है, ये जो मतलब सर हिला हिला के जो मुंह में थोड़ा सिंदूर लगा के जो बैठा हुआ है, जो कंधे पे ढोल है, उसका एक्सप्रेशन देखना गाइस। ओ माई गॉड इन लोगों का डांस तो देख के मैं तो कसम बोल, मुझे डर सा लग गया था, क्योंकि इतना भयंकर डांस, ओ माई गॉड मैं बोल नहीं सकता गाइस, क्योंकि उसका डांस देख के तो मुझे चक्कर आ गया। गाइस अभी घर की ओर निकल रहे हैं भैया भाभी हम लोग, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, मे बी 7:30 कुछ हो गया है। तो भैया बोला चलो चलते हैं, तो फिर उसी बीच एक पंडाल मिला जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब फुर्ती हो रहा था, तो उसको थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर की ओर, क्योंकि घर में मामा भी आया हुआ है तो डिनर वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए फटाफट से करके जाते हैं। तो गाइस हम लोग रोल वगैरह भी कुछ खाएगा सोचा था, क्योंकि तो गाइस अभी देख के सब आ गया है, तो अभी ज़्यादा बैठना नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादा बैठने से भी फिर रिस्की है, तो इसलिए भैया बोला चलो अभी हो गया है चलो चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम लोग घर जाएगा, तो और अभी क्या बोलते हैं रोल वगैरह भी खाएगा सोचा था, बट रोल वगैरह नहीं मिला गाइस, क्योंकि सब रश है और एवरीथिंग मतलब सब भीड़ भाड़ है, तो छोड़ दो बोल के। और गाइस ये लास्ट विसर्जन देख रहे हैं, जो कि रोड का बीच में गाइस डीजे लगा के ये लोग तो फुल मस्ती में एकदम पूरा ना, तो हम लोग को जैसे तैसे मतलब ट्रैफिक गाइस ट्रैफिक में इतना नहीं फंसाते समय को। तो गाइस
तो गाइस फाइनली मैं रूम पहुंच गई हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है। तो घर आते आते बज गया था 7:30 के आसपास। तो मैंने आते ही भाभी हम दोनों ने फटाफट से डिनर बनाया, डिनर बना के और मम्मी पापा सब खाया, भैया भी खाया। और गाइस हमारा जो बड़ा मामा है वो भी घर पे आया हुआ है, तो उनका हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है और काफ़ी उम्र भी हो गया है उनका। तो गाइस इसलिए मतलब और उनका जो आँखें आँख वो आँख से उनको मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है, मतलब उनको मतलब स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि उनका आइज कितना हद तक विजिबल नहीं है। तो गाइस इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि चलो मम्मी का भी मतलब एक दिल में आशा था कि उनका सबसे बड़ा भैया को अपना घर में लेके आए, क्योंकि घर नया बनाया है तो उनका एक इच्छा था कि घर में लेके आए भैया को। तो गाइस आज का डेट में मतलब भाई बहन का प्यार बहुत ही कम मतलब देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा जो पेरेंट्स लोग का है उन लोगों का मतलब अच्छा है बॉन्ड भाई बहन का। तो गाइस अच्छा लगा देख के आज। और गाइस तो बस इतना ही था और उसके बाद थोड़ा घुमा फिरा और आ गया, बस दैट मच ओनली। और ठीक है, तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेगा गाइस। तो ठीक है, तो अगर गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस। और फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।